अस्सलामुअलैकुम गाइस, एजुक्राफ्टर ऑनलाइन एकेडमी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका टीचर हैबत खान। आज हमारा ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग का तीसरा जो है वो लेक्चर है, जिसमें मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊंगा कि इंस्टाग्राम के अंदर आप कैसे जो है वो अकाउंट बना के अपनी पोस्ट डाल सकते हैं, और इंस्टाग्राम के अंदर ई कॉमर्स का कैसे काम किया जाता है। इंस्टाग्राम वो चीज़ है जिसमें आपको यंगर डेमोग्राफिक मिलता है, फेसबुक के थ्रू भी आप काम कर सकते हैं, इंस्टाग्राम के थ्रू भी काम कर सकते हैं। अगर आपने नीच सेलेक्ट कर ली है और आपने जो है वो अली एक्सप्रेस से आपकी जो प्रोडक्ट है वो आपने सेलेक्ट कर ली है, तो आप जो है वो इंस्टाग्राम में उसे पोस्ट कर दें। पोस्ट करने के बाद आप देखें कि आपके पास किस तरह के आर्डर आ रहे हैं। मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता चलूँगा, अपनी स्क्रीन पर ले चलता हूँ मैं आपको इंस्टाग्राम में। सबसे पहले तो ये है कि आपने अकाउंट कौन सा बनाना है। एक अकाउंट आपका जो है वो पर्सनल होता है, और एक अकाउंट आपका प्रोफेशनल होता है, और एक अकाउंट आपका बिज़नेस अकाउंट होता है। तो पर्सनल अकाउंट तो आपका अपने लिए होगा, लिहाजा आप बिज़नेस अकाउंट बना लें। यहाँ मैंने एक बिज़नेस अकाउंट बनाया हुआ है, और ये देख रहे होंगे आप बिज़नेस अकाउंट यहाँ पर आपको दिखा रहा है, फॉलोअर्स भी दिखा रहा है, और HK ऑनलाइन के नाम से मैंने एक बनाया है। और यहाँ पर डिफरेंट कुछ पोस्टें मेरे पास आ रही हैं। अब इन पोस्टों के हवाले से हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम अली एक्सप्रेस से जो है वो प्रोडक्ट को उठा के हम अपने इंस्टाग्राम में जो है वो पोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास एक पोस्ट है, ये की हुई है, कोई चार्जर है, ठीक है। देखें ये तस्वीरें, मैंने कोई एडिट नहीं की, मैंने इसमें कोई मेहनत नहीं की, जस्ट मैंने अली एक्सप्रेस से जाकर इन तस्वीरों को पिक किया है, डाउनलोड किया है, और अपने इंस्टाग्राम के अकाउंट पे मैंने इनको पोस्ट कर दिया है। नीचे जो डिस्क्रिप्शन आ रही है, डिस्क्रिप्शन भी आपके पास जो है वो नज़र आ रही होगी, डिस्क्रिप्शन भी मैंने सारी अली एक्सप्रेस से उठाई हुई है। इसके अलावा मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद बताता चलूँ, यहाँ पर व्यू इनसाइट करूँगा आपको। जब व्यू इनसाइट करेंगे आप, जब इंस्टाग्राम का अकाउंट बना लेते हैं, अब यहाँ पर देखें ये जो पोस्ट है मेरी, जबकि मेरे फॉलोअर्स बहुत कम हैं। आप जब नया अकाउंट बनाएंगे तो आपके फॉलोअर्स बहुत कम होंगे और आपकी पोस्ट को लोग बहुत कम देखेंगे, तो उसके लिए ये होता है इंस्टाग्राम आपको एक मौका देता है कि आप उसे पेड रीच पे चला सकें और पेड जो है वो ऑडियंस क्रिएट कर सकें। अब इससे कैसे करें, देखिए यहाँ मैंने इसकी इसको जो है वो प्रमोट किया हुआ है, पेड रीच पर चलाया हुआ है एज आ एड। तो यहाँ पर देखें ये 3504 लोगों के पास ही पहुँची है। कंटेंट इंटीग्रेशन आपको बता रहा है, इंट्रैक्शन आपको बता रहा है, और प्रमोशन टैब्स बता रहा है। 99% जो है वो प्रमोशन के से जो है ये व्यूज़ आए हैं। इसमें इंप्रेशंस क्या आ रहे हैं, इंप्रेशंस भी आपको बता रहा है। लाइक्स कितने आए हैं, 23 लाइक्स हैं, सेव 9 है, 9 लोगों ने इस पोस्ट को सेव किया है। ये डिफरेंट आपको पूरे जो है वो इनसाइट बता रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें मैंने कितना खर्च किया है, स्पेंड 100%, और ये आपका है 630 रुपये। 3 दिन का एड मैंने चलाया हुआ था, जिसमें इंस्टाग्राम आपसे 210 रुपये चार्ज करता है एक दिन के कम से कम एड चलाने के, और 3 दिन के इसने 630 रुपये चार्ज किए, और 630 के अंदर 3500 लोगों को ये पोस्ट उसने दिखाई है। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आपको ऑडियंस का जेंडर दिखा रहा है कि मेंस ने कितने देखा है, वुमेंस ने कितने परसेंट देखा है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपको इस पोस्ट में दिखा रहा है। ये दिखाने का मकसद ये है कि हम इंस्टाग्राम के अंदर जब पोस्ट करते हैं तो हम पेड रीच पर भी काम कर सकते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। अगर और किसी भी प्रोडक्ट पर जाता हूँ, और मेरी जो यहाँ पर पोस्टें हैं, ये एक पोस्ट मैंने की हुई है, लेकिन इस पोस्ट को मैंने प्रमोट नहीं किया, मैंने कोई पेड रीच नहीं चलाई। तो यहाँ पे अगर मैं व्यू इनसाइट करूँगा, और यहाँ पे देखें इसकी रीच बहुत ही कम है, ठीक है, क्योंकि मेरे फॉलोअर्स इतने नहीं हैं। अगर मैं अपने फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा बढ़ा लेता हूँ तब जाके जो है वो मेरी ऑर्गेनिक रीच ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इंस्टाग्राम की ऑर्गेनिक रीच जो है वो 10-15% है, और फेसबुक की ऑर्गेनिक रीच जो है वो 3-5% है। यानी कि अगर आप 100 लोग हैं आपके पास, उसमें से 5 लोग देखेंगे फेसबुक में, और इंस्टाग्राम में 10-15 लोग देखेंगे। ये एक मैंने पोस्ट उठाई हुई थी, देखें ये वीडियो भी उठा के आप अपने पास पोस्ट कर सकते हैं, पिक्चर्स आप पोस्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर ये डिटेल पूरी आप इसकी पोस्ट कर सकते हैं।
नीचे इस तरीके से आप पोस्ट बनाएं और अपने ई कॉमर्स के बिजनेस को स्टार्ट करें। इंस्टाग्राम में जाएं, गूगल प्ले में जाएं, अगर आप इंस्टाग्राम आपके पास नहीं है तो इंस्टाग्राम को आप डाउनलोड करें, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं, पर्सनल अकाउंट, फिर उसके बाद अपना बिजनेस अकाउंट बनाएं और अपने ई कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग के बिजनेस को स्टार्ट करें। मज़ीद इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी उसमें हम इंस्टाग्राम के ऊपर जो पोस्ट करते हैं, हम बाकायदा उस पोस्ट को करेंगे कि अली एक्सप्रेस से कैसे हम जो है वो चीज़ें सर्च करते हैं और सर्च करने के बाद हम अपने जो है वो अकाउंट में इसे पोस्ट करते हैं। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।